राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है मंडे का दिन, मंडे सोमवार का दिन। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और आज पूरा दिन ज्येष्ठा नक्षत्र चलेगा, 7:10 तक चलेगा और उसके बाद रहेगा मूला नक्षत्र। आज मैं आपके लिए बहुत पावरफुल जानकारी लेके आई हूँ, बहुत एनर्जेटिक जानकारी लेके आई हूँ मंगलवार से रिलेटेड। मंगलवार एक ऐसा पावरफुल डे है जिसमें आप अपनी कोई भी इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं। आपका कर्ज है, आपके कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, आप कोई वेल्थ प्रोस्पेरिटी, ये एक बहुत पावरफुल डे है। पावरफुल डे बिकॉज इसके लॉर्ड्स पावरफुल हैं। मार्स प्लैनेट इज द लॉर्ड ऑफ मंगलवार एंड हनुमान जी इज द लॉर्ड ऑफ मंगलवार। सो मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगी कैसे आप अपनी इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं हनुमान जी से, कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सो मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए सो दैट मैं और नए टिप्स लेके आ सकूं और नए उपाय लेके आ सकूं आपके लिए। प्लीज मेरी एंड तक देखें। एंड में आपको एक ऐसा विशेष उपाय दूंगी जिस वो जो इतना पावरफुल और मैंने अपना किया हुआ उपाय है, कोई भी इच्छा आपकी हो वो पूरी होती ही होती है। हनुमान जी स्वयं खड़कर आपकी इच्छा पूरी करते हैं। सो पहला, आपको प्रातःकाल नहाकर हनुमान जी के आगे बैठना है, घी का दिया लगाना है और ये व्रत का संकल्प करना है। व्रत का संकल्प जैसे आप 11 मंगलवार और 4 मंगलवार आप मंगलवार का व्रत करेंगे। संकल्प करते समय आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के आगे अपनी परेशानियां अपनी इच्छा रखनी है जिससे वो उनको क्लियर हो सके कि आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या परेशानी है। सेकंड, आप अगर किसी भी चीज में स्टक हो चुके हैं, आप निकल नहीं रहे, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन आ चुकी है, आप ऐसा फंस गए हैं कि आपको कोई पाथ या वे नहीं दिख रहा निकलने का, सो आपको क्या करना है, 108 बार हनुमान मंत्र का जाप करना है जो कि है ओम हन हनुमते नमः। इसको 108 बार चैंट करना है। करना अपने आसन पर बैठकर रिलैक्स होकर है और ब्रह्म मुहूर्त में करना है। उसके बाद तीसरा ये रिलेटेड टू हेल्थ है। जिस भी नेटिव की, जिस भी इंसान की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, आप ये उपाय करके देखिए, बहुत अचूक उपाय है, किया हुआ शास्त्रों में माना हुआ उपाय है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो हनुमान जी थे, जो भी राम परिवार से रिलेटेड कोई भी उपाय करते हैं तो हनुमान जी उनकी जल्दी सुनते हैं क्योंकि राम हनुमान जी के इष्ट थे। सो इसके लिए आपको ये उपाय करने से हनुमान जी आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे, आपकी हेल्थ सही अच्छी करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके रिलेटेड आपको जल्दी निजाज मिलेगी। करना क्या है, हमें एक हनुमान जी की मूर्ति जिसपे सिंदूर लगा हो उसके आगे जाना है, कुछ सिंदूर उनकी मूर्ति से लेना है और सीता माता के चरणों में अर्पित करना है, जिससे और करते समय हमें अपनी परेशानी और अपनी हेल्थ रिलेटेड परेशानी जो भी हमें आ रही है वो सीता माता के आगे रखनी है। रख के ये ज्योतिष शास्त्रों में भी माना गया है कि अगर हम ऐसा ये उपाय करते हैं तो हनुमान जी हमारी वेल्थ हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसको बहुत जल्दी ठीक करते हैं, हमारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सुनते हैं। उसके बाद चौथा और अचूक उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूं, बहुत इजी उपाय है, बहुत ध्यान से सुनना और करना। इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे करना चाहिए, हनुमान चालीसा हमें कैसे करना चाहिए। हमें वैसे ही स्टार्ट करना है अपना दिन ब्रह्म मुहूर्त में, उठकर नहाकर हमें हनुमान जी के आगे अपने आसन पर बैठकर घी का दिया जलाना चाहिए। सबसे पहले बात, हमें अपनी जो भी इच्छा है, कोई आप वाहन लेना चाहते हैं, कोई आप घर लेना चाहते हैं, कोई आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका कोई काम नहीं चल रहा, आप वेल्थ चाहते हैं, जो भी कर्जा मुक्ति चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप हनुमान जी से मनवाना चाहते हैं, वो पहले अपने मन में क्लियर कर लें। बिल्कुल क्लियर करके आसन पे बैठ के आपको हनुमान जी की एक पिक्चर लेनी है। अगर आपके पास पहले से है इट्स ओके, हनुमान जी की पिक्चर पे के आगे हमें घी का दिया जलाना है। घी का दिया जलाने से हमें हमें हनुमान चालीसा
करने की विधि बताऊंगी अब मैं आपको करना क्या है। हमें ये उपाय मंगलवार से स्टार्ट कर 11 दिन करना है, एवरी डे रेगुलर 11 दिन ये उपाय करना है। 11 टाइम्स हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है, एवरी डे 11 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ना है, जिसमें हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं एंड में हमें एक लाइन आती है तुलसी दास जी के रिलेटेड, जहां वो तुलसीदास जी कहते हैं हमें अपना नाम कहना है, हमें ये कहना है कि हम अपनी इच्छा आपके आगे रख रहे हैं, हमें अपना समर्पित करना है हनुमान जी के आगे। और उसके बाद जब 11 दिन कंप्लीट हो जाए, आपके पूरा 11 दिन कंप्लीट हो गए, तो आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर करना है। लास्ट डे 11th डे आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर करना है, जिसमें आपने जब बजरंग पाठ पढ़ा है तो उसमें आपको पता चलेगा, उसमें स्वयं लिखा हुआ है कि जब हम ये करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी स्वयं आकर एक मानव के रूप में हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं, हमारी सहायता करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। और हमें एक बात और मैं आपको मंदिर के रिलेटेड एक टिप भी देना चाहती हूँ, जब भी हनुमान जी की पिक्चर आप अपने मंदिर में लगाएं तो उड़ते हुए हनुमान जी की लगाएं, सो दैट आप भी वैसे ही उड़ान भरें, आपका बिजनेस भी वैसे ही उड़ता जाए। सो आपको ये मेरे छोटे छोटे टिप्स होते हैं, आप करके देखें, आपको मैं पहले भी कहती हूँ कि करके देखें, आपको ये पता चलेगा आप कोई भी कर्जे से जूझ रहे हैं, आप कोई भी अपनी आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही, आप घर के रिलेटेड इच्छा चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, अपना वाहन चाहते हैं, तो हनुमान जी को इन मार्स और हनुमान जी को ये डिपार्टमेंट दिया गया है कि आप अपनी इच्छा से उस मनुष्य की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। सो आप ये करके देखें, आपको फिर पता चलेगा कि ये कितने अचूक उपाय हैं। और मंगलवार के उपाय जरूर किया कीजिए, लेकिन बहुत सुच्चा और सच और हनुमान जी को सच्चे और सुच्चे मन से मनाकर देखें, ये बहुत अच्छे हैं और आपकी सारी इच्छा पूर्ति करते हैं। आप ये करके देखें। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए, मैं आपके लिए और नए ला सकूं आपके कर्जे के रिलेटेड। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे को नीचे से कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। अदरवाइज आपको मेरा नंबर भी दिया जाएगा, आप मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। सो राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।